अरे पतलू क्या करे, समोसे लाओ। अरे मोटू तुम्हें रेस जीतनी है, समोसे खाने हैं। अरे पतलू खुशबू। जिनेवा सोलर भारत का पहला नंबर वन जिनेवा ब्रांड लिथियम बैटरी कॉम्बो केक के साथ 5 साल गारंटी के। आज एक किसी शख्सियत को थाने मिला रहा हूँ जो की शख्सियत वाकई में छोटी सी उम्र में बहुत बड़ो काम करने हिम्मत रखे है। आप अक्सर भी दो करेक्टर ने टीवी की डिस्प्ले पर देखा, लेकिन आज वो करेक्टर है जो वाकई में वो करेक्टर मैं थाने रूबरू करवा रहे हूँ। तो आज आंसू बात करूंगा मैं भाई साहब। पहला तो मतलब थारो धन्यवाद की मतलब थे मैंने इनवाइट करो है इस जगह, बहुत बहुत धन्यवाद। और सुदेश जी थे पधारिया, घना खमी घना खमा, बहुत बहुत धन्यवाद थे पधारे। छोटू नमस्कार, राम राम, क्या हाल चाल है? हाथ मिलाओ। और हेलो, क्या हाल चाल है? बस एकदम बढ़िया। एकदम बढ़िया है। हाँ मैं पूछना चाहूँगा पहला मतलब बचपन से दिखा कौन? बचपन से इसको दिखाई नहीं देता, जन्म जाती है ये। जन्म जाते हैं तो रामदेव, पूरा नाम रामदेव गहलोत। हाँ डर ना यार, जोर बोलिए। हाँ जो और जोर बोल। मेरा नाम रामदेव गहलोत है। हाँ। और मैं कक्षा 8 में पढ़ता हूँ। कक्षा 8 में पढ़ने में कहीं दिक्कत आवे रामदेव? दिक्कत तो से कुछ नहीं, बस देख नहीं पाते, बाकी ब्रेली पीसी पढ़ लेते हैं। वाह वेरी गुड, बहुत ही शानदार चीज है रामदेव। अगर राजस्थानी भाषा में सुनियो कि मतलब गजब बोला यार, मतलब मोती बरसे है। हाँ वाह बात तो है। आ बात है बिल्कुल। तो रामदेव एक मैं पूछना चाहूंगा कि थाने आप बाद में चर्चा करांगा, थाने में पूछना होगा जका लोग सारा की मतलब दिख रहा है टोटल, बे आपरी आंखें सु संसार ने महसूस कर सके, बे आपरी आंखें सु चीजा महसूस कर सके, लेकिन फिर भी बे हिम्मत आ जो है तो भी लोगों थे कहीं कहना चाहो, मतलब सब कुछ होते हुए भी कहीं आपने मतलब हथियार गिरा देना चाहिए? नहीं बिल्कुल भी हार नहीं माननी चाहिए। जो भी ऐसे हिम्मत हार के बैठ जाते हैं उनसे कहना चाहूंगा कभी भी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, हमें अपनी हिम्मत बनाई रखनी चाहिए, बस विश्वास रखना चाहिए कि हाँ आगे हो सकता है, आगे हो सकता है। वाह वाह क्या बात है रामदेव। तो अभी पहला तो अपन कोई भजन सुनांगा थारो, भजन की प्रस्तुति है, भजन की प्रस्तुति देवांगा और बीहू बाद में जो थारो अदर टैलेंट है भी टैलेंट पर बात करांगा, तो कुछ प्रस्तुत करो। मतलब आंखियां कोनी, दोनों आंखियां सुन दिखे कोनी आने, और वाकई में मतलब मैं खुद सोच रहा हूँ कि मतलब एक के तरीका मतलब मैनेजमेंट कराए, फ्लैश सी पर करो जाओ थोड़ा सो, कैमरा मैंने कहूँगा कि थोड़ा सा मतलब देखो तो एकदम रिदम देखो उंगलियां की सारी चीज़ वाकई में मतलब बहुत ही गजब, मतलब बहुत ही शानदार। जद देखी बाबेरी प्यारी सी मूरतिया, आंख्या में बस गई रे मारे बाबेरी सूरतिया, आंख्या में बस गई रे मारे बाबेरी सूरतिया। बीकानेर संग में तो सागे सागे जाऊला, बीकानेर संग में तो सागे सागे जाऊला, मैं जानू नहीं रे रूनी चरी पग डंडिया, मैं जानू नहीं रे रूनी चरी पग डंडिया। जद देखी बाबेरी प्यारी सी मूरतिया, जद देखी बाबेरी प्यारी सी मूरतिया, आंख्या मैं बस गई रे मारे बाबेरी सूरतिया, आंख्या मैं बस गई रे मारे बाबेरी सूरतिया। बहुत मतलब एक्सीलेंट, बहुत बहुत जबरदस्त एक्सीलेंट। और भाइयां तरह रहे, और मेरा बहुत ही निजी खास दोस्त है जसमल जी और मारा पुत्र अनिल नागौरी जी, मतलब आज मैं घोषणा कर रही हूँ कि ई भाई ने मैं अनिल नागौरी के ने बाने स्टूडियो में एक दिन जरूर लेके जाऊंगा, मैं मेरे खर्चा पर लेके जाऊंगा भाई। वाह वाह रामदेव, मतलब अनिल नागौरी जानो नाम, भाई साहब नाम सुन रहे हो अनिल नागौरी? हाँ सुन रखे है। सुन रखे है? हाँ बिल्कुल सुन रखे है। मतलब बहुत बड़ा स्टार है मैं। हाँ बांगे स्टूडियो में आपा चलांगा एक दिन
जरूर आ मैं वादो करूँ, प्रॉमिस करूँ कि अनिल नागुरी भाई साहब गए स्टूडियो में और जसमल जी है जो मेरा दोस्त है, आप मैं बागन जावांगा, मांगे स्टूडियो में जावांगा और हो सके कि एक गाने में अनिल भाई जी रिक्वेस्ट करांगा बीबे एक बच्चे ने मतलब एक टाइम दे दो सिलेक्ट कर ले थोड़ा सो, तो वो तो डन है कि अनिल नागुरी जी अपनी मुलाकात है बहुत जल्द हो रही है, बहुत जल्द हो रही है, क्या लग रही है मतलब एक्साइटमेंट है मतलब अनिल नागुरी मिलनो? अरे बिल्कुल एक्साइटमेंट है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा। कहीं कहना चाहो अनिल नागुरी भाई साहब ने कहीं कहना देखे मतलब एक्साइटमेंट तो काफी है ब्यों मिलने रही बस इतने कहना चाहूं बस मिला जद भी देखा कद मिला अभी मतलब एक जो अदर टैलेंट है आप वो टैलेंट बता दियो जाओ है जो एक मतलब बच्चा ने बड़ो प्यार है मतलब मोटू और पतलू खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं जलती तुम ही कुछ सोचो। अरे मोटू सोचना क्या है भागो। अरे चाय वाले भैया गर्मा गर्म समोसे खिला दो। अरे भाया हमारी उधारी कौन चुकाएगा भाई वो तो बताओ उधारी कौन चुकाएगा जान बनेगा जान उसे रोकेगा कौन। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल है बोले तो इम्पॉसिबल। ओए अभी रुको मैं तुम्हें बताता हूँ ये लो। वाह भाई वाह मोटू भी मैं और सुनना चाहूंगा यार रामदेव मोटू मतलब एक करेक्टर बहुत ही मतलब हीरो करेक्टर है हीरो टाइप करेक्टर है बिल्कुल। अरे पतलू क्या करे समोसे लाओ। अरे मोटू तुम्हें रेस जीतनी है समोसे खाने हैं। अरे पतलू खुशबू बहुत ही गजब एक्सीलेंट यार रामदेव। अभी मतलब अभी शो में मैं भी हूँ जगह नहीं हटे मतलब बबीता जी हटाई भी शो में मैं मतलब भी जगह में मौजूद हो और मैं जगह की बात कर रही हूँ बेथान ध्यान है बबीता जी और बबीता जी रा सुपरस्टार जेठालाल जी हैं गुड मॉर्निंग बबीता जी कैसे हैं आजकल बबीता जी रहते कहाँ दर्शन नहीं हो रहे। हाय गुड मॉर्निंग जेठा जी गुड मॉर्निंग बबीता जी कैसे हैं। वाह वाह क्या बात है मतलब एकदम मतलब कोशिश थे कर रहे हो बहुत ही गजब कोशिश कर रहे हो और भी किंग आवाज निकाल नहीं आवा था ना। हाँ अय्यर हाँ जयडलल ओ जयडलल क्या करता है तू। अरे अय्यर भाई आप क्या कर रहे हैं पहले जरा ध्यान से चलना चाहिए। जयडलल मेरा घर क्या सिखाता है तुम खुद ध्यान देने चलता है। अरे सॉरी अय्यर भाई आइंदा ऐसा नहीं होगा। बीड़े बीड़े मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी जेठालाल चंपकलाल गड़ा का हार्दिक स्वागत करता हूँ। और पोपट पोपट कैंसल 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 मतलब बहुत गजब मतलब बहुत ही शानदार। और कोई फिल्मी सितारा ने भी आवाज थे निकालो। फिल्मी सितारा तो मैं यहाँ निकालूंगी नहीं कभी मतलब महसूस कौन करे होते। एक रामदेव एक बहुत ही एक हटके एक क्वेश्चन है वो मैं थाने करना चाहूँ कि मतलब जिंदगी अपन के सीखा है रामदेव जिंदगी अपन के सीखा है जिंदगी में तो बस हमेशा सिर्फ जिंदगी में बस आई चीज है कि जिंदगी में क्या भी आओ परिस्थिति बस अपन खुश रहना एकदम मस्त रहना है एकदम। वाह भाई वाह क्या बात है मतलब एहसास कद हुए रामदेव की अपनी जिंदगी है जो एकदम अंधेरो है कद हुए एहसास हुए कितना साल गाते एहसास तो अब छोटो अब कुछ लाग तो कौन समझता कौन भी दिन हम तो लेकिन अब थोड़ा यहाँ लगे कि हाँ बस लेकिन बाद में सोचा चलो कोई बात नहीं। रामदेव जो दिनचर्या है बाकी दिनचर्या बेथे क्या करो मतलब क्या बाकी जो दिनचर्या है थारी सुबह रूटीन थारो कहीं रूटीन सुबह रूटीन तो बस जल्दी उठ रहा बाकी तैयार हो रोनो स्कूल जा पड़ा पछे स्कूल वार थोड़ी देर आराम कर फिर बाद में प्रैक्टिस में बैठ जाऊँ। और स्कूल में मतलब बाकी बच्चा क्या बिहेव करे। हाँ स्वभाव बहुत बढ़िया है बाकी बच्चा रो और टीचर भी अच्छा है पढ़ावे बढ़िया। कौन से स्कूल में पढ़ रहे होते अभी। मैं राजकीय नेत्रहीन छात्रावासित उच्च माध्यमिक विद्यालय में पढ़ रही हूँ। अबार बीकानेर में ही है आपने वो। हाँ बीकानेर में बिल्कुल बीकानेर में है। और सब मतलब एकदम जो बच्चा है बाकी कितना बच्चा है जो नेत्रहीन है। यहाँ तो बहुत बच्चा है टोटली ब्लाइंड है कुछ तो कुछ ने बाकी दिखे है थोड़ा थे मतलब रामदेव थे अभी जो लाइफ है तारी एकदम खुश हो एकदम हैप्पी हो लाइफ। हाँ बिल्कुल एकदम
खुशी हूं। और थानी आभास हुआ कि कितना आदमी आपा बैठे इस जगह बैठे हैं अभी? आभास तो मैं या आंखें हूं देख कर तो या बता कौन सकूं, आभास तो किया हुआ है। मतलब अभी कितना लोग बैठे हैं, थाने कहीं लग रहे हो आसपास को माहौल कहीं लग रहे हो? माहौल तो एकदम पॉजिटिविटी लग रहे, एकदम मस्त माहौल। हां एकदम बढ़िया माहौल लग रहे बाहर तो। वाकई में मतलब भाई रियलिटी में मतलब एक अंदर से हिला देने वाली आज जो स्टोरी है, आज मैं स्टोरी पेश करी है। और अपने देश में, अपने जिले में, अपने राजस्थान में न जाने मतलब ऐसा कितना ही बच्चा है जो नेत्रहीन है, जगह का सपना वाकई में बहुत मोटा सपना है, लेकिन बने कोई ना कोई पुशअप कौन मिल रहे हो, बूस्टअप कौन मिल रहे हो, और भी वजहों अगर छोटो मोटो कोई टैलेंट है भी बामें तो वो टैलेंट दबाए हो जा रहे है, या फिर समाज माने प्रोत्साहित कौन करे, या फिर नेगेटिविटी को माहौल है जो बहुत ज़्यादा तेज हो जाए। भाई साहब मैं बात करना चाहूँगा, आपने पुत्र है? भतीजो है। भतीजो है। अच्छा मतलब क्या रामदेव की मतलब एक्टिविटीज़ कहीं हैं पूरे दिन की? एक्टिविटीज यही है, सुबह मॉर्निंग में जहाँ उठना स्कूल वास्ते तैयार होना, फिर निकल जाना स्कूल वापिस, थोड़ी देर रेस्ट कर, थोड़ी देर बाहर खेल, फिर आप बजाऊन लाग जाए, गाना सुन बो कर सी, गाना भजन याद कर बो कर सी, कहीं जेठा लाल लगा ले, कहीं मोटू पतलू बे मिमिक्री कर सी, यहाँ कर पूरे दिन रात ने कोई ज़्यादातर कोई सत्संग है, कोई कीर्तन है, भजन में आए दिन रहे तो मैं कहीं मैं सागे जाऊँ, कहीं भाई साहब सागे जाए, कहीं कुछ लोग ऐसा भी है अपने आप ले जाए अपने आप छोड़ जाए। दूसरा जो बच्चा है बाऊ एकदम अलग है, विपरीत है। हाँ हमारा पूरी फैमिली में विपरीत है, और हमारी पूरी फैमिली रख स्टार है, यानी ये छोटी सी उम्र में भी वो 7 साल हो गया लगभग, वो कुछ ना कुछ कमा रहे है, यानी हमारे पूरी फैमिली में ये उम्र में कोई मतलब कमाई हो नहीं उम्र में, यानी 7 साल हो गया कंटिन्यू, मतलब जावज रहे कुछ ना कुछ फरमाइश मेरी कुछ भी होने, जो कोई भी खुशी हो जाए भजन कीर्तन बाबे श्यामरा रामदेव जीरा सबरा, मतलब अलग अलग कृपा। रात भी मैं नोखा में प्रोग्राम हो, नोखा में गया, सुबह आया तो बैठे भी खूब, मतलब जो भी मिला भी है नहीं ना आगे और भी कई नंबर दे गया मैंने, तो क्या जरूर सब जना दुआ यहाँ करे बाबा श्याम रो कीर्तन हो भी बेके दुआ आई है कि मैंने उम्मीद है इन्हें जरूर दिखाऊंगा एक दिन, मैं कभी उम्मीद में मैं बैठा है कि नहीं एक दिन जरूर दिखाऊंगा। और मतलब इतना भजन कर रहे हैं तो आस्था है, भक्ति मतलब बाबा शुरू में जो भगत के वश में भगवान स्टार्ट करो तानसेन अपने डब्बा वरना बजा बजार बजा बजार बीरवाद रामदेव बाबा रहा लंबे टाइम तक गया, अभी खाटू श्याम बाबा रहे भी कंटिन्यू, और बाकी माता जी हनुमान जी भैरू जी लगभग सब रहा भजन इन्हें कंटस्ट याद है सारा। आई कोशिश और आई उम्मीद करा कि भाई एक बार जो जमाने को दीदार है वो दीदार आने भी हुए, ताकि मतलब जो दीदार आप रोज करा भी दीदार को अगर 10% भी हिस्सों अगर भगवान गॉड गिफ्ट रामदेव ने करे तो बहुत रंगीन दुनिया होगी आगे लिए। अंतिम प्रश्न करूँगा भाई साहब थारे लिए कि जो रामदेव को मतलब थे जिए मतलब थान पता चलो कि हाँ ये प्रकार अपन आगे बढ़ाना चाहिए, तो मतलब जो ऑडियंस कह रही है वो थे लगातार व्यूवर्स हो वास्ते थाने पूछ रहे हूँ कि सुदेश जी थे भी जगह पहुँचो को नहीं, तो थे सच्चाई बता दी एक बार कि कितनी देर में थारकने पहुँचो मैं? सुदेश जी ने मैं केवल आधे घंटे में मैंने मारकने सुदेश जी पहुँच गया, मात्र आधे घंटे में, हालांकि जल्दी पहुँच सकता लेकिन बारह मद्रास और स्वाया जी के आधे घंटे लगे, तुरंत मारसू संपर्क करियो और तुरंत अड़े स्थान पर पहुँच गया। ये वास्ते सुदेश जी ने बहुत बहुत धन्यवाद है कि ये छुपी प्रतिभा ने बाहर निकाले, और ये श्रेय सुदेश जी ने है। बिल्कुल बहुत बहुत धन्यवाद थाने कि मतलब कमेंट में ई वास्ते ली थार गनू ताकि मैं सब कने पहुंचने की कोशिश करूं, थोड़ी सी दूरियां ज़्यादा हुए ई वास्ते मेरी मजबूरियां भी बीती ज़्यादा हुए, मेरी मजबूरी थे समझो थोड़ी सी बात, दूरी बहुत दिनों में थोड़े दिनों में कम हो जाएगी, लेकिन भी जगह जरूर पहुंचूंगा। और जो हमारी टीम है हर एक कमेंट को रिप्लाई मिला है थाने, हर एक कमेंट मिला है, और मांगीलाल जी विश्नोई लगातार माने कमेंट कर रहा है जय राजस्थान जय राजस्थानी, बहुत ही बढ़िया लग रहे हो मांगीलाल जी थारू मिल गए। और जो अडूनी एक अडूनी देनी है मांगीलाल जी आपने देनी है 12 सितंबर में, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।